हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब गेहूँ का आटा, और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप ही बेसन। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बराबर ली हैं। और अब इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, तो 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं हल्दी के पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। और हम इसे मिला लेंगे एक बार। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने अभी यहाँ पर आधा कप पानी डाला है, और जो पहले से मिला लेंगे अच्छे से, फिर और डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें पानी की और ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर और डाल रही हूँ पानी, और इसे मिलाएंगे अब। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी और डाला है, और ये बैटर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम बैटर को थोड़ा पतला करेंगे, तो इसमें मैं और पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आधा कप और पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो इस कंसिस्टेंसी का मैंने बैटर बनाया कि जब हम इसे तवे पर डालें तो ये अपने आप ही फैल जाए। तो ऐसा ही हमें बैटर बनाना है, और इसमें मुझे 1 कप से ज़्यादा पानी का यूज़ करना पड़ा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स, तो 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, या फिर इसकी जगह पर आप लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा एक बैटर तैयार हो गया है, और इस बैटर को रखेंगे साइड में। एक दूसरे बोल में मैंने लिए हैं 2 अंडे, और अंडों को हम अच्छे से सबसे पहले फेंट लेंगे। तो यहाँ पर अंडों को अच्छे से फेंट लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च बहुत ही बारीक कटी हुई। तो सभी चीजें इसमें डाल लेंगे। साथ में डालेंगे नमक, तो जितना हमें यहाँ पर अंडों के लिए जरूरत है उतनी ही नमक डालेंगे, क्योंकि हमने बेसन वाले घोल में भी नमक डाला हुआ है, तो नमक हम थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे। साथ में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में इसमें भी मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो लाल मिर्च के पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं इसे आगे के प्रोसेस में। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है, और पैन को हम हल्का सा ग्रीस करेंगे। और इसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। यहाँ पर मैं बड़े स्पून में बैटर ले रही हूँ, ऐसे करके सेंटर में डाल देंगे। तो 2 स्पून बैटर डाल दिया मैंने, और इसे अब हम फैला लेंगे। तो इस तरीके से जितना फैल सके उतना इसे हम फैलाएंगे। और इसके बाद इसे हम ढक कर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर मैंने बैटर को तवे पर फैला लिया है, और ये साइडों से धीरे धीरे सिकना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन बीच में गीला है। तो मैं इसे केवल 1 मिनट के लिए ढक रही हूँ,
इस तरीके से, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और एक मिनट के बाद देखिए ये सिक चुका है, और जो हमने ये अंडे का बैटर बना के रखा हुआ है इसे हम डालेंगे इसके ऊपर, और इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे ताकि ये पूरे चीले पे अच्छे से फैल जाए। और फिर से मैं इसे ढक रही हूँ 1 से 1.5 मिनट के लिए, और 1 से 1.5 मिनट बाद अंडा हमारा धीरे धीरे सिक गया है। और अब हम इसे पलट लेते हैं, तो बहुत ही सावधानी से इसे हम पलट लेंगे, और दोबारा से मैं इसे ढक के पका रही हूँ 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर हम एक बार इसे पलट के देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर अंडा भी हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। तो मैं 2 मिनट के लिए और ढक रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से थोड़ा सा और अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसे पलट लेंगे दोबारा से, और देखिए इधर से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस, लगा लेंगे अच्छे से चारों तरफ। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है चारों तरफ, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। और इसके बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे, और देखिए ये हमारा एक अंडे का चीला बनके तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाकी सारे अंडे के चीले बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा चीला बनके तैयार है। इस तरीके से चीला जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी से कम टाइम में बन जाता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में, धन्यवाद।